वैष्णवी देवी की जय। ऋषि तुम तो खुद इतनी प्यारी हो, बस अब माँ वैष्णवी की कृपा से तेरी झोली में भी तेरे ही जैसी प्यारी सी गुड़िया आ जाए। अरे ये कैसा आशीर्वाद दे रही हो सुधा? इस घर को मैंने बेटा चाहिए, वारिस। पहले बेटा ही आना चाहिए। चलो अब ऐसा आशीर्वाद दो कि बेटा हो जाए। तो चिंता मत कर माँ, बेटा ही आएगा। तो देख बेटे के लिए खिलौने भी ले आया हूं। क्यों अरवशी? सारे लड़कों वाले खिलौने हैं। हे माँ वैष्णवी, बेटा या बेटी जो भी हो, मेरे लिए तो वो तेरा आशीर्वाद है माँ। तू तो जीवन दायिनी है और तेरी कृपा से ही तो एक माँ की कोख से आने वाला नया जीवन इस संसार में हंसते खेलते हुए कदम रखता है। तेरे नाम की ये चुनरी मुझे इस बात का आश्वासन देगी कि मेरे बच्चे पर तेरी कृपा है माँ। वकील साहब, रंजीत के चचेरे भाई अब जमीन के साथ साथ दुकान पर भी कब्जा करना चाह रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो? अरे नहीं माँ जी, ऐसा कैसे हो जाए? मैं हूं और पिछली दो हियरिंग रंजीत जी के हक में गई है। आप चिंता ना करो, माता रानी जो भी करेगी अच्छा ही करेगी। अच्छा मैं चलता हूं। गाड़ी निकाल, अस्पताल ले चलते हैं। बेटा हिम्मत रख, हिम्मत रख, चल। सांस लो, लंबी। हाँ, सर, ये उर्वशी के हाथों में था। लेबर रूम में अलाउड नहीं है, प्लीज आप ये रख लीजिए। बहुत ही प्यारा भैया। <भी आगे।
रंजीत, हमारा बच्चा कहाँ है? मम्मी जी, क्या हुआ? मेरा बच्चा कहाँ है? आप सब ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हैं? उर्वशी, तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। आप झूठ बोल रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। रंजीत, बोलो ना, ये सच नहीं है, बोलो। यही सच है उर्वशी। बहुत ही प्यारा बेटा। मेरा दिल नहीं मान रहा। मैंने माँ वैष्णवी से अपने बच्चे की लंबी उम्र की मन्नत मांगी थी। माँ मेरी प्रार्थना का केवल नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। रंजीत, मैंने उसकी रोने की आवाजें सुनी थी। आप जाके हॉस्पिटल में पता लगाइए ना, जरूर इनसे कोई गलती हुई है। उर्वशी, इनसे कोई गलती नहीं आई, यही सच है, मान लो इसे। उर्वशी जी, ये सच कह रहे। नमस्कार। तेज आवाज में की गई प्रार्थना भगवान तक पहुंचे ये जरूरी नहीं, लेकिन सच्चे मन से बिना कुछ कहे भगवान से कुछ मांगो तो वो बात उन तक जरूर पहुंचती है। भक्त और भगवान का रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है, भक्त ज्यादा मांगते नहीं और भगवान कम देते नहीं। उर्वशी ने भी माँ वैष्णवी, जिन्हें हिमाचल में माँ दूधाधारी के नाम से जाना जाता है, बस इतना ही मांगा कि उसकी होने वाली संतान सकुशल हो, सेहतमंद हो। भक्तों की भक्ति में शक्ति की आज की कहानी भी माँ के एक ऐसे ही अटूट विश्वास की है, जिसे लाखों लोगों की कोशिशें भी तोड़ नहीं पाई। सच और खुशी दो महीने हो गए उस बात को, कब तक इस झूले को खाली रखेगी तू? तुमने उस बच्चे को देखा तक नहीं, किस बात की ममता है? भूल जाओ उस बात को और आगे की सोचो। मैं क्या करूं मम्मी जी, मेरा दिल नहीं मानता। मैंने माँ वैष्णवी से अपने बच्चे के लिए आशीर्वाद मांगा था और मेरी माँ मेरी प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं कर सकती। तो क्या कहना चाहती है कि रंजीत ने और मैंने तुझसे झूठ बोला है क्या? तेरी गोद हमने सुनी कर दी, यही सोच रही है ना तू? हाँ, यही सोच रही है तू? आजा आजा सुन ले बेटा, सुन ले तेरी बीबी क्या कह रही है। ये सोचती है कि तूने और मैंने मिलकर इसके बच्चे को मार दिया, इसकी गोद सूनी कर दी। अरे बता इसे, हम कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अपने पोते का।
बता दे इसे, मैं जल्दी से जल्दी अपने पोते का मुंह देखना चाहती हूँ इस घर में, अपने पोते को खेलते हुए देखना चाहती हूँ, इसी में इसकी भलाई है। उर्वशी अभी शोक मनाना बंद कर और जैसा माँ कह रही है वैसा ही कर, और तू तो ऐसे बैठ दिया जैसे अब तुझे बच्चा होगा ही नहीं। माँ को पोता चाहिए और ये तेरी जिम्मेदारी है कि अब की बार लड़का ही हो। तो तब लड़की हुई थी, इस बार जिंदा लड़का ही होना चाहिए। बहुत ही प्यारा दिया, तू तो जगह जननी है, तुझसे अच्छा मेरी परेशानी और कौन समझ सकता है। माँ तेरी ये चुनरी मेरे बच्चे की लंबी उम्र की प्रार्थना की निशानी है। मैं जब भी इसकी ओर देखती हूँ मुझे लगता है तू मुझे कुछ बताना चाह रही है। मुझे बता माँ, क्यों मेरा मन मेरे बच्चे की मरने की खबर को नहीं मानता, क्यों मेरे कानों में उसकी रोने की आवाजें गूंजती है, क्यों मुझे लगता है कि वो मेरे आसपास है। मेरी परेशानी का हल दे दे माँ, मेरे मन की पीड़ा को दूर कर, कृपा कर माँ, कृपा कर। माँ मैं चुनरी तब तक बांध के रखूंगी जब तक मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते। पानी लेके आओ। उर्वशी तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। उर्वशी जी ये सच कह रहे हैं। उठो।
जी माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। माता रानी ने मेरी सुन ही ली। मैं रोज मंदिर आके माता रानी से यही प्रार्थना करती थी कि मैं आपसे कैसे मिल सकूं। मुझे कुछ बताना है आपको, आपको बेटी हुई थी और वो जिंदा है। एक लाख, पर उर्वशी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी बेटी जिंदा बैठ हुई थी। और तुम इसके बाद उससे मिलने की कोशिश नहीं करोगे, समझी? पैसों के लालच में मैं आपके पति और सास की बातों में आ गई। उन्हें लड़की नहीं चाहिए थी, मुझे 1,00,000 रुपए दिए थे ताकि वो उस फूल सी बच्ची से छुटकारा दिला सकूं। लेकिन मैंने जब से ये पाप किया है मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। और वो पैसे भी घर से चोरी हो गए, मेरी नौकरी चली गई। तब कहीं मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपके पास भी नहीं आ सकी आपके पति और सास के डर से। कहाँ है मेरी बच्ची, बोलो कहाँ है मेरी बेटी? आपकी बेटी रतन और प्रिया शर्मा के पास है। 1 साल से प्रिया हमारे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रही है ताकि उसे बच्चा हो सके। और मैंने उसे आपकी बच्ची ये कहकर दे दी कि इसकी माँ से जन्म देते ही मर गई और बाप तो पहले ही नहीं था। अम्मा, तुमने आज मेरी भक्ति की लाश रख ली, लाश रख ली। रतन और प्रिया शर्मा का एड्रेस आपको हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से मिल जाएगा।